दोस्तों वैसे तो रफी साहब की नेकी और जिंदा दिली के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन ये वाकया बिल्कुल ही अलग है। केके स्टूडियोज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों रफी साहब ना सिर्फ एक बहुत अच्छे गायक थे बल्कि एक बहुत नेकदिल इंसान भी थे। कई दफा ऐसे मौके आए जब उन्होंने कई गीतों को बिना कोई पैसा लिए गाया। देखा न करो तुम आईना, हाय हाय, देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे पर तू। या किसी से काफी कम पैसे लिए और कई बार तो मात्र एक रुपया ही उन्होंने फीस के तौर पर वसूला था। 70 के दशक के आखिरी सालों में बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जगदीप साहब ने भी एक फिल्म पर काम शुरू किया था। उस फिल्म का नाम था टाट का पर्दा। जगदीप तय कर चुके थे कि जब फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो पहला गीत वो रफी साहब से ही गवाएंगे। रफी साहब जब इस गीत की रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो पहुंचे तब उन्हें ये नहीं पता था कि इस फिल्म को जगदीप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हें बस इतना ही पता था कि गीत में एक लाइन है जो उनके साथ जगदीप रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडियो में ही उन्हें बताया गया था कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर जगदीप हैं। रफी साहब काफी खुश हुए। जगदीप जी ने उस दिन रफी साहब के साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पहले ही टेक में रफी साहब ने गीत को पूरे परफेक्शन के साथ कंप्लीट कर दिया। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद जब रफी साहब जगदीप के साथ बैठे तो जगदीप ने रफी साहब की तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। उस लिफाफे में कुछ पैसे थे मगर रफी साहब ने वो लिफाफा लेने से इनकार कर दिया। रफी साहब बोले, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब तुम चाइल्ड एक्टर थे, तुम मेरे बेटे के जैसे हो। अब जब तुम एक नई शुरुआत कर रहे हो तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले लूं? मैं अपने बेटे से पैसे नहीं लूंगा। जगदीप जी ने वो लिफाफा वापस अपनी जेब में रख लिया। वो रफी साहब के मिजाज से वाकिफ थे। अगर एक दफा रफी साहब ने मना कर दिया तो इसका मतलब था कि वो किसी के कहने से भी पैसे नहीं लेंगे। ये थे रफी साहब। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी, ये थी उनकी शख्सियत। वैसे तो जगदीप साहब की वो फिल्म कुछ दिनों के बाद पैसे की कमी की वजह से बंद हो गई थी और फिर लगभग 8 साल बाद जगदीप साहब ने उस फिल्म को फिर से शुरू किया। लेकिन इस दफा उन्होंने इसका नाम टाट का पर्दा से बदलकर सूरमा भोपाली रख दिया। ये फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई थी और वो गीत जो उस दिन रफी साहब ने रिकॉर्ड किया था उसे डैनी साहब पर पिक्चराइज किया गया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।